नमस्कार, हमारे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आपको बताने जा रहे हैं आज इस शो में एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, चीन की साजिशों से पर्दाफाश करने जा रहे हैं। एक ऐसी चीज जो कि बता रही है कि अब युद्ध के मुहाने पर खड़ा है चीन, क्योंकि फिर से कोरोना फैल रहा है चीन में। याद होगा आपको, वुहान के बाद हुआ गलवान, शंघाई के बाद होगा ताइवान, ये हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर, शंघाई में लॉकडाउन के नाम पर चीन ने बर्बरता की हदें पार की, सीधे प्ले ऑन करें बड़ी खबर। सड़क चलते महिला बुजुर्गों को सीसीपी मेडिकल टीम ने पीटा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सड़क चलते महिला और बुजुर्गों को सीसीपी मेडिकल टीम ने पीटा। अगली ब्रेकिंग सीधे आइए राहुल, अगली खबर, शंघाई में बिगड़ते हालात और गिरती साख से जिनपिंग परेशान। शंघाई से ध्यान हटाने के लिए चीनी सेना की ताइवान पर हमले की ट्रेनिंग, ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं और बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं। ये सब चल रहा है वहां पर शंघाई में। एक बार फिर से खबर बताना चाहूंगा, शंघाई में बिगड़ते हालात और गिरती साख से जिनपिंग परेशान है। शंघाई से ध्यान हटाने के लिए चीनी सेना की ताइवान पर हमले की ट्रेनिंग। समझिए कहां पर, कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना, ये यहां पर। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन से मरियोपोल में 1000 यूक्रेनी सैनिकों का सरेंडर। रूस ने किया यूक्रेनी सैनिकों के सरेंडर का दावा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। बोरिस जॉनसन के बाद एक और बड़ी खबर, बोरिस जॉनसन के बाद एक और बड़ी खबर, मरियोपोल की खबर के बाद 4 और राष्ट्र प्रमुख यूक्रेन दौरे पर, बड़ी खबर। पोलैंड, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया के राष्ट्रपति कीव दौरे पर, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। अब कीव की ओर यह कहा जाए ऑल रोड्स लीड टू कीव तो यह अतिशोक्ति नहीं होगी, यह इस वक्त की बड़ी खबर। लाटविया, एस्टोनिया, अब स्वीडन, पोलैंड, सॉरी ये फिनलैंड, ये सभी लोग वहां पर जा रहे हैं कीव की ओर। लेकिन इसके बीच में एक बड़ी खबर, जेलेंस्की का गुस्सा आया सामने। अगली ब्रेकिंग न्यूज हम दिखा रहे हैं, बड़ी खबर आपके सामने है। जेलेंस्की के गुस्से की वजह से यूक्रेन की सरकार ने जर्मन राष्ट्रपति को आने से रोक दिया है, यह इस वक्त की बड़ी खबर। जर्मनी के राष्ट्रपति ने इस खबर की पुष्टि कर दी है, क्योंकि वो कहते हैं जर्मनी जो है वो इनके ब्लड मनी दे रहा है, यह बड़ी खबर आपके सामने। दूसरी बड़ी खबर, मरियोपोल में रूस कर सकता है केमिकल एजेंट का इस्तेमाल, बड़ी खबर, केमिकल अटैक। यूसी विदेश मंत्री, यूएस के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का पुख्ता सबूतों का दावा, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, सोचिए आप, केमिकल एजेंट। दूसरी, जापान को न्यूक्लियर में, यूक्रेन में बड़े न्यूक्लियर अटैक का डर है, इस वक्त यह बड़ी खबर। जापान की सरकार के प्रवक्ता ने दी जानकारी, जापान को डर है कि न्यूक्लियर अटैक कर सकता है ये रशिया, ये बड़ी खबर है। लेकिन इसी से मिलती जुलती एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, रूस का ज़ेपोरेजिया में सफेद व्हाइट फास्फोरस बम का से हमला, सिविलियन इलाके में ऐसे बम के इस्तेमाल जो है वो प्रतिबंधित है, ये बड़ी खबर हमारे सामने है। ये इसके प्रूफ और इसके एविडेंस आ रहे, सीधे बिग वॉल पर आए, सारी खबरों को जोड़े, ये सारा ताना बाना आपके सामने हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल, ज़ूम इन, शंघाई में लॉकडाउन के नाम पर चीन की बर्बरता, सड़क पर महिला बुजुर्गों को सीसीबी की मेडिकल टीम ने पीटा, ये बड़ी खबर है। इससे डायवर्जन क्रिएट करने के लिए, शंघाई में बिगड़ते हालात और गिरती साख से जिनपिंग परेशान है, और इसके लिए क्या कर रहे हैं, ध्यान हटाने के लिए चीन की ताइवान पर हमले की ट्रेनिंग, बड़ी खबर। इसके बाद सारे गेस्ट और रिपोर्टर्स को इंट्रोड्यूस करूंगा। मरियोपोल में 1000 यूक्रेनी सैनिकों का सरेंडर हुआ है, यह बहुत बड़ी खबर है, रशिया ने इसका दावा किया है। लेकिन लाटविया और एस्टोनिया और पोलैंड और फिनलैंड, अब यह देखें आप, बोरिस जॉनसन के बाद 4 और राष्ट्र प्रमुख यूक्रेन के दौरे पर जा रहे हैं, यह इंटरेस्टिंग खबर आपके सामने है। पोलैंड, लिथुआनिया, एस्टोनिया के राष्ट्रपति कीव दौरे पर है, लेकिन जर्मनी के जो राष्ट्रपति हैं उनको यूक्रेन की सरकार ने आने से मना कर दिया है। यहां पर राहुल, ज़ूम इन करें इस ब्लॉक को, उनको मना कर दिया है, जर्मनी इज नॉट वेलकम इन यूक्रेन, बड़ी खबर। यूएस के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सबूतों के साथ दावा किया है कि केमिकल एजेंट का इस्तेमाल कर सकता है रशिया मरियोपोल में, लेकिन यहां पर जापान को डर है कि यूक्रेन में बड़े न्यूक्लियर अटैक हो सकते हैं, यह जापान ने ऑफिशियली कहा है, रॉयटर्स के हवाले से खबर है। बड़ी खबर, ज़ेपोरेजिया में फिर से सिविलियन इलाके में व्हाइट फास्फोरस बम के इस्तेमाल की खबर सामने आई है, और यह चिंताजनक खबर जो है यह परेशान कर रही है, क्योंकि यह बैंड है। हालांकि इस बैंड वाली ट्रीटी में रशिया और यूक्रेन दोनों नहीं है। परवाह देश की,
सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।